हाँ जी अभी रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है, ठीक है। रिकॉर्डिंग जी इवेंट अब सुनिए, रिकॉर्डिंग इज इन प्रोसेस, ऐसा मतलब वो कर्सर अगर उस पर रखेंगे आ तो गया आ क्या गया है। सर, स्टार्ट हो गया वो तो हाँ रिकॉर्डर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी हाँ आप अब इस क्लास विंडो स्टार्ट को कर सकते सर, आपको सर अपने वो शेयर कहाँ से किए था? हैं। उसमें शेयर ऑप्शन है उसके बाजू में बॉटम में दिखिए, अच्छा वही वही वाला, ठीक ठीक है। हाँ ठीक सर। ठीक है, आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए सर। हाँ सेकंड सर, एक सेकंड सर, इसको बड़ा कर लीजिए, बढ़िया। जिसको बड़ा कर लें, चैट वाला ऑप्शन भी खोल दें। ठीक है सर, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं, है ना? ये पेन कैसे आया था सर अपना, पहले रिव्यू रिव्यू में जाके में जाके, एक सेकेंड स्टार्टिंग। स्टार्टिंग। हाँ जी ठीक सर, ठीक ठीक है, है, करिए स्टार्ट। तो उसमें डालते हाँ हैं। हाउ कैन आई नो दैट स्टूडेंट्स आर लिसनिंग और लाइक, हाँ स्टूडेंट है आप। या ठीक सर, आपने ओपन कर दिया वो हाँ जी, तो नाउ कैन वी स्टार्ट? सकते हैं, स्टार्ट कर। या ओके, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो सर से थोड़ा ट्रेनिंग ले रहा था मैं अभी, तो जैसा मुझे बताया गया है, थोड़ा आप चैट में, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे। सॉरी, मेरा 7 स्टूडेंट। ओके 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 ओके, तो जस्ट 7 स्टूडेंट, जस्ट पिंग मी गुड इवनिंग समथिंग, हाय हेलो, कुछ भी आप एक मैसेज करो जिससे कम्युनिकेशन अपना स्टार्ट जाए। फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और फिर मैथ को शुरू करते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल, या थैंक यू, हेलो गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग अरुण, गुड इवनिंग। अब जरा अपन समझें, सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज आदित्य शुक्ला, और मैं लगभग गेट इंडस्ट्री में लास्ट 15 ईयर से मैं एज ए फ्री लांसिंग वर्क कर रहा हूँ, एंड आई ट्रेन अराउंड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट अक्रॉस द इंडिया, और पाटिल सर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के साथ अपना नॉलेज कुछ शेयर कर पाऊँ, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। आज पहला दिन है, आप देख ही चुके होंगे मेरी पहली स्लाइड पे कि हम लोग कुछ लीनियर अलजेब्रा के बारे में डिस्कशन करवाए, बट बिफोर दैट एक जनरल अपन बात करें, तो मैथ्स जो भी हमारा मैथ्स है वो लगभग लगभग 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का जो है मैथ्स है, और इस 15 मार्क्स में अभी अभी इसी साल अगर आपने नोटिस किया होगा तो हर अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग सिलेबस कुछ हो गया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक क्लास में अपन करेंगे, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो लगभग पूरे इंडिया में पढ़ाया है, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ा लिए हैं, मेरी ऑल इंडिया रैंक 638 रही है, जो सबसे बेस्ट है। एंड आफ्टर दैट आई वेंट आई आई टी इंदौर फॉर डूइंग कम्प्लीटिंग माई PhD, बट इन बिटवीन ही मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद हम यहाँ पर चले गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा पाटिल सर ने मुझे कहा कि सर आपको मैथ्स पढ़ाना है, ठीक है, तो और जाहिर सी बात है अभी 7 स्टूडेंट हैं तो वो भी यहाँ मैथ्स पढ़ने ही आए होंगे, बट फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू कि मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर मैथ्स पढ़ाने के लिए हूँ और आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। उसका रीजन जरा मैं बताता हूँ, एक रीजन बताता हूँ। अगर मैं अभी जितने भी 7 8 स्टूडेंट हैं उनसे मैं पूछूं कि ये जो इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा, या मैं अभी अपनी इस साइट इस पर मैं लिख दूं मैट्राइसेस, तो क्या आप में से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने वर्ड ना सुना हो कि मैट्राइसेस क्या होता है क्या नहीं है?
ऑब्वियसली आप सभी लोगों ने सुना हुआ होगा, मैट्राइसिस का वेटेज की बात कर लें, इसका जो है ये 4 to 5 mark है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये 4 पे ही जाता है। 2015 और 16 का जो पेपर था उसमें 5 mark का आया, उसके अलावा आप 4 mark का ही कंसिडर करके चले। अब सवाल ये है कि आप लोगों ने इंजीनियरिंग में, जब आप वाइल इंजीनियरिंग डूइंग समय आपने ऑलरेडी मैट्राइसिस पढ़ा होगा, तो जो आपने मैट्राइसिस है तो फिर से मैं आपको नया क्या पढ़ा दूंगा, आपके फैकल्टी ने ही पढ़ाया होगा, सभी लोगों सभी दूर से आप पढ़े होंगे। मुझे लगता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को यहाँ ये सीखना है कि एक्चुअली ये जो मैथ्स है, जो गेट का जो मैथ्स है, ये पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते कैसे का मतलब कुछ ऐसा कि अगर ये कर मैं आपको मैट्राइसिस में मैं आपको कह दूं कि एक मैट्राइसिस है और इसका ऑर्डर 2x2 है तो आप मना नहीं कर पाओगे, आपको पता है ये बात, ठीक है। अगर मैं और इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं, अगर सिमिलरली मैं कहूं कि ऑर्डर 3x3 है तो, और 3x3 है तो भी आप बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी दो मैट्राइसिस हैं, उन दोनों ही मैट्राइसिस को ऐड कर दो, आप बिल्कुल कर लोगे। अगर मैं कहूं कि ए डॉट बी कर दो, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपको आता है। अगर मैं यहां एक मैट्रिक लिख दूं और कहूं कि इसका डिटरमिनेंट निकालो जिसका ऑर्डर कितना है 3x3, वो भी आप निकाल सकते हैं। आप लोगों को एक और छोटी सी बात मैं कहूं कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और आप सबको पता होगा कि ये डिटरमिनेंट जो होता है ये क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। जब स्पीक करते रहो यहाँ पे मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मुझे ये समझ में आ जाएगा कि एक इंट्रैक्शन हो रहा है मेरा स्टूडेंट से, क्योंकि अभी शुरू हो रहा है। आप मानेंगे लगभग मैं 3 महीने बाद स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से पढ़ाना, तो एक फ्लो रहता है, वो फ्लो आने में 2-5-10 मिनट लगेंगे। अब जरा ये जो भी मैंने लिखा, मैं यहाँ पर अगर आपको मैट्राइसिस की प्रॉपर्टी बता दूं कि बेटा इसको ऐसा बोलते हैं, इसको स्क्वायर मैट्रिक बोलते हैं, इसको नॉन स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं, तो ये सब आपको पता है, तो मैं यहाँ पर क्या नया सिखाने वाला हूँ। हमको मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि हमें यहाँ पर जो भी हमें सीखना है, हमें यहाँ पर सीखना है कि मैथ्स को पढ़ते कैसे हैं, मैथ्स को पढ़ते कैसे हैं का मतलब मेरा क्या है, जरा आप एक एग्जाम्पल सुनिएगा। यहाँ एक सेकेंड जस्ट मैं इसको इरेज कर दूं, जरा आप देखिए यहाँ अगर हम देखें किस तरह से कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गेट, GATE, ये फुल फॉर्म है। अब सभी को फुल फॉर्म पता होगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, लेकिन मुझे सिर्फ इस ए से मतलब है, इस ए का मतलब क्या हो गया, ये हो गया एप्टीट्यूड, ठीक है। अब अगर ये एप्टीट्यूड है तो आपको मैथ्स को कुछ इस तरह से पढ़ना है कि आपका एक एप्टीट्यूड जनरेट हो जाए। एप्टीट्यूड जनरेट हो जाए से मेरा मतलब कुछ ये है कि देखिए जरा, अगर मैं यहाँ एक आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए मान लीजिए मैंने अचानक एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। T²-81 और कुछ ऐसा हो गया dy/dt प्लस 2yt और इक्वल टू कुछ t² या कुछ समथिंग था, अपन t लिख लेते हैं या t² लिख लेते हैं। अब एक स्टूडेंट जब मैंने पढ़ाया, ये 2-3 साल पुराना है, पुणे की बात है ये, अब ये स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, आई होप आपको याद होगा वो कुछ पैटर्न, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, तो ये कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्मेट हो गया। अब एक स्टूडेंट ने मुझे इसको और इसका मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूं, आगे लिखा हुआ था हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। अब यूनिक सॉल्यूशन था when p बिलोंग्स टू, और ये 4 ऑप्शन थे, और वो ऑप्शन थे -2, 2, -10, 10, -10, 0 एंड 0, 10। अब क्वेश्चन क्या था, जरा क्वेश्चन को समझा दूं मैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में बोला गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है हमें, और
बताइए, तो ये चार ऑप्शन है कि बताइए कि टी किस इंटरवल में यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, सी ऑप्शन हो गया और ये डी ऑप्शन हो गया। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे जब क्वेश्चन पूछा तो उसने क्या किया कि पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने इसको सॉल्व किया कि टी स्क्वायर माइनस 81 से डिवाइड कर दिया और वही आपका जो फॉर्मूला है और वो सब लगा के और वो मेरे सामने सोल्यूशन लेकर आया। अब जैसे ही मैंने वो सोल्यूशन देखा तो मुझे लगा ये तो बहुत लेंदी है यार, ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन आ गया, ये ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम मुझे क्वेश्चन बताओ। अब जरा आप ध्यान से देखिए सभी लोग क्या कह रहा है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या देगी, यूनिक सोल्यूशन देगी। यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन नहीं का मतलब है एक ही सोल्यूशन, चार पांच सोल्यूशन तो आ नहीं सकते हैं किसी क्वेश्चन के। तो यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, जब टी बिलोंग करता है इन चार में से एक इंटरवल में। अब जरा आप ध्यान से देखिए ये वाला पोर्शन देखिएगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर है। अगर आप नोटिस करें बी ऑप्शन को, बी ऑप्शन को देखिए, -10 और 10 ओपन इंटरवल है लेकिन इसमें 9 आ रहा है 9, और अगर आप इस 9 को यहां रखते हैं तो 9 9 का ये 81 हो गया, और 81 माइनस 81 मतलब ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म पहली टर्म। और अगर ये पहली टर्म 0 हो गई मतलब डेरिवेटिव वाला कंटेंट ही 0 हो गया, तो क्या इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं रही, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रही तो ये सॉल्व कैसे होगी। आप खुद सोचिए कि यूनिक सोल्यूशन कैसे देगी, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। सिमिलरली अगर आप देखें कि -10 और 20 में -9 आ जाएगा, और अगर आप इफ यू पुट -9 हियर देन अगेन वी गॉट 81 एंड 81 माइनस 81 जीरो, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन वैनिश हो जाएगी, ये भी खत्म, और सिमिलरली यहां भी 9 आएगा ये भी खत्म। तो आंसर वॉज ए ऑप्शन। अब जब आप सोचिए, अब आप खुद बताइए कि जो क्वेश्चन 2 सेकंड में ही सॉल्व हो जाना था उसके लिए हम लोग एक एक पेज भर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, आप लोगों को यहां से ये सीखना है कि मैथ्स को पढ़ते कैसे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में रिकॉग्नाइज ही नहीं करने दू, मान लो मैं एक ऐसा अभी कोई एक इंटीग्रेशन या कुछ भी एक मैट्राइसिस का मैं क्वेश्चन आपको दे दू, और अब अगर आप उसको पहचान ही ना पाए तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो गेट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन, क्लियर। तो ऐसा कुछ ये था। अब जरा आप देखिए हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है मैट्राइसिस, और आप नोटिस करें मैट्राइसिस में मैंने यहां क्या लिखा हुआ है, रैंक। कोई प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूं मैं, कोई जो जो प्रॉपर्टी हो आती जाएगी वो अपन बीच में यूज करते चले जाएंगे और उसी समय समझेंगे। अगर आप में से किसी को भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जरा समझे, रैंक की बात करते हैं। तो अगर मैं अभी तुम में से भी किसी स्टूडेंट से पूछूंगा कि व्हाट इज रैंक, रैंक है क्या, तो हो सकता हो कि तुम में से कोई कुछ मुझे बता दे, लेकिन मेरा ऐसा समझना है कि रैंक की डेफिनेशन समझने के पहले हम ये समझें कि हम वाई रैंक, हम रैंक निकालते क्यों है, वाई वी आर इवैल्यूएटिंग रैंक, क्लियर। अब जरा इसको समझने के लिए अपन यहां से थोड़ी सी देर के लिए हटा दो, और अब जरा तुम मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर x प्लस 2y इक्वल टू 1, थोड़ी सी देर के लिए रैंक और ये सब मैट्राइसेस ये हटाओ, हम सभी लोग 10th क्लास को पास करके आए हैं, और अब जरा मुझे बताइए ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये मैंने मन से कोई इक्वेशन यहां लिख दी। आप सभी को पता है कि x और y की वैल्यू निकालना है, क्या ये मान लूं कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना आता है, 1 का मल्टीप्लाई नीचे, 2 का मल्टीप्लाई इधर, और एक्स इलिमिनेट हो गया, वाई का वैल्यू आ गया, वाई ऊपर रख दिया, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। अगर हम सभी स्टूडेंट क्या करें, इसी क्वेश्चन को चार अलग अलग तरीकों से निकालें, सॉल्व करें, तो भी जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन कैसा आने वाला है। सर एक्स की वैल्यू मान लीजिए कि एक्स की वैल्यू मेरी 1 आई और वाई की वैल्यू 2 आई, तो आप लोगों की भी एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 ही आएगी। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि हम बात कर रहे हैं एक यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, क्लियर। तो क्या मैं मान लू कि आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए आज पहला दिन है, अभी ज्यादा टच नहीं है तो आप ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, तो मैं मान लेता हूं, और आपने बोला कि हाँ सर इसको हम सॉल्व कर देंगे, डन। अब जरा देखिए, ध्यान से सुनिएगा मैं कहां आ रहा हूं। अब जरा मुझे बताइए x प्लस वाई इक्वल टू 1, ध्यान से नोटिस कीजिएगा। अब यस या नो का तो ऑप्शन आप मुझे यहां पे टाइप कर ही सकते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 2। अब जरा आप बताइए,
अगर देखिए, क्या ये जो छोटा सा दो वेरिएबल का सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या सॉल्व कर सकते हैं? देखो एक एक स्टूडेंट ने, क्या नाम है आपका? मुस्कुरे मुस्कुरे, आप ये बताओ कि क्या ये सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, आप बोलोगे ना? हाँ सर, ऋत्विक डाले हो जाएगा। तो ऋत्विक ये बताओ कि क्या ये यूनिक सोल्यूशन आने वाला है या नहीं आएगा? सॉल्व तो ये हो जाएगा, बट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट यूनिक सोल्यूशन, कि क्या ये यूनिक सोल्यूशन देगा, यस या नो? अभी भी आपका आंसर यस है, बताइए। अगर अभी भी आपका आंसर यस है तो अपन कुछ और डिस्कस करते हैं, और अगर नो है तो क्यों है नो, ये भी बता दीजिए मुझे। चलिए यस आ गया। अब जरा एक बात बताइए, मैं क्या बात कर रहा हूं? यूनिक सोल्यूशन की। और अब और थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक बात बताओ, ध्यान सुना है, बड़ा अजीब सा है, इन सबको क्लब करेंगे इसको समझने के लिए कि वाई वी आर इवैल्यूएटिंग रैंक। बहुत जल्दी से हो जाएगा ये, बहुत जल्दी हो जाता है। जरा देखिए, अगर मैं यहां लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो आप बताइए कितने वेरिएबल, ये कैसा इक्वेशन हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डन। ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें एक ही वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल इज देयर। ठीक है, तो अब ये बताइए कि हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक वेरिएबल होता है, तो वी वर जस्ट लुकिंग फॉर ओनली वन इक्वेशन, क्लियर? बट अगर आप देखें कि यहां, देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए, यहां यहां पर बताइए कितने वेरिएबल है? टू वेरिएबल। तो एक बात जो हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मेरे पास किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो मुझे अगर उसको सॉल्व करना है तो वी शुड हैव टू इक्वेशंस। आई होप आपको याद आ गया होगा। जरा आप देखिए, यहां पहला इक्वेशन देखिए क्या लिखा है मैंने, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। अब आप नोटिस कीजिए कि मैंने सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा है, टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू। तो अब अगर आप इस सेकेंड इक्वेशन को टू से डिवाइड कर दें तो क्या आपको नहीं फील आ रहा कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन हो गया और सेकेंड इक्वेशन भी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन होगी। और अब अगर मैं दो इक्वेशन को, मतलब सॉरी एक ही इक्वेशन को अगर मैं दो बार लिख दूंगा तो क्या वो दो इक्वेशन कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि सर, ये जो आपने जो दूसरा ये जो क्वेश्चन दिया है, इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकता है, नो सोल्यूशन हो सकता है, वो अपन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल इसका यूनिक सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्लियर? अब जरा बताइए, ध्यान से देखना, नो सोल्यूशन आएगा, बिल्कुल बिल्कुल प्राजक्ता, नो सोल्यूशन आएगा। बट प्राजक्ता, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिक सोल्यूशन की, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये समझाना है कि एक्चुअली हम रैंक निकालते क्यों है। प्राजक्ता आप ये बताओ, अब ये बताओ, यहाँ अगर मैं लिखूं एक्स माइनस y बाई थ्री इक्वल टू माइनस सेवन बाई सिक्स, प्राजक्ता बताइएगा आप, माइनस थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस सेवन बाई टू। चलिए अब बताइए, क्या इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? मेरा क्वेश्चन वही है, यही वाला क्वेश्चन है, क्या अगर द यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट, यस या नो? अब उसको देखते से पहचानने का तरीका क्या है कि अगर दो वेरिएबल आपने पहली ही इक्वेशन में देख लिए तो आप समझ जाओ कि सर यहाँ पे तो दो इक्वेशन होगी तो ही ये यूनिक सोल्यूशन देगा। जैसे यहां जो मैंने टिक किया हुआ है कि सर यहां देगा, क्योंकि देखिए आप, फर्स्ट इक्वेशन दो वेरिएबल और सेकंड इक्वेशन, मतलब दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, बट यहां देखिए फर्स्ट इक्वेशन में दो वेरिएबल है बट सेकंड इक्वेशन में वही है जो फर्स्ट है, मतलब इक्वेशन तो एक ही हुई, इक्वेशन कौन हुआ, इक्वेशन तो एक ही हुआ। क्लियर, यस या नो? अब आप मुझे बताइए कि क्या यहां पर, क्या इस जगह पर ये जो x माइनस वाई बाई थ्री वाला इक्वेशन है, क्या यहां पर यूनिक सोल्यूशन आ सकता है या नहीं आ सकता है? बस आप ये बता दो। आप ध्यान से देखिए, अब होगा ये कि इस बात को समझने के लिए जरा आप एक बात देखिए, पहली इक्वेशन देखिए x माइनस वाई बाई थ्री इक्वल टू माइनस सेवन बाई सिक्स। ठीक, दिखाया कितने वेरिएबल पता चल गए, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, टू वेरिएबल्स। अब जरा आप यहां देखिए, मैंने क्या किया, ये दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा एक फ्रैक्शन फ्रैक्शन के नंबर यहां पर मैंने डाल दिए, फ्रैक्शन वगैरह के नंबर मैंने डाल दिए। यहां जरा देखिए, मैंने पहली इक्वेशन में माइनस थ्री का मल्टीप्लाई किया, देखो आप पहली इक्वेशन में, जैसे यहां टू का मल्टीप्लाई करके लिख दिया था ना, घुमाने वाली बात, लेकिन ये बड़ा आसान था। ये देखिए, माइनस थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस
प्लस 7/2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सेम इक्वेशन है, वेरी गुड प्रजक्ता, तो मतलब इसका भी यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। तो अब अपन यहां पर क्या मैं बताना चाह रहा था, मैं एक दो मिनट इसको इरेज कर दूं।
हाँ दिख तो रहा है मुझे, इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा दिख रहा है। नहीं आप अपना वीडियो स्टार्ट करिए। आप लॉग इन करिए। आपका मुझे वो पीपीटी तो दिख रहा है, मतलब इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा तो दिख रहा है। हाँ हाँ कैसे करेंगे तो वो करेगा ही नहीं। सर सुनिए, मैं आपको आपका आपका विवेक है ना, विवेक उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजता है, ठीक है। हाँ आप जब भी लाइट आएंगी तो स्टार्ट कर देना, मुझे तो नहीं पता सर इसके बारे में। हाँ